हेलो गाइस, ये हमारा यूट्यूब पे फर्स्ट ब्लॉग है और इसमें अगर ब्लॉग में कुछ इधर उधर गड़बड़ हो या फिर कुछ भी इसमें गलती दिखाई दे तो प्लीज हमें माफ कर देना। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। अभी हम अपने फर्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जो अपना देश का सबसे प्राचीन मंदिर, जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, इधर फतेहपुर सेकावाटी में है ये मंदिर। अभी ये देखो, आपको दिखाते हैं। हम पहुंचे इसके बोर्ड की तरफ। ये देखिए, देश में सबसे पहला प्राचीन मंदिर, ये श्री बालाजी महाराज विष्णु महाराज का आगे है। ये देश का सबसे प्राचीन गीड़ का बालाजी मंदिर। अभी हम रास्ते की तरफ चलेंगे तो आपको दिखाएंगे ये मंदिर कैसा है, उसका कैसा व्यू है। अभी हम रास्ते की तरफ चलेंगे तो आपको मंदिर का जो भी है सब आपको व्यू की तरफ दिखाएंगे। ये रोड है अपना, सीधा जाता है फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो अभी इसके बीच में आता है ये मंदिर। जैसे फतेहपुर से बाहर निकलते हैं अपन तो ये बीड़ का बालाजी का मंदिर है। ये देखो, सबसे प्राचीन मंदिर है, ये उसका रास्ता है। ठीक है गाइस, अभी हम जैसे आगे चलेंगे तो आपको पूरा व्यू दिखाएंगे इधर का। गाइस, अब हम इधर मंदिर के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। जो रास्ता है अपना मंदिर की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे विजिट करना चाहता है, आना चाहता है, तो यहाँ आने का समय है, ये देखिए, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे शाम को 8 बजे के बाद पट बंद हो जाते हैं। ये क्या है, भीड़ का इलाका है, जंगली इलाका है पूरा। तो उधर जानवर वानवर का, जो भी जानवरों का खतरा रहता है, तो इसके लिए सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक ही यहाँ का जो भी है महाराज के आने जाने का टाइम रहता है। अभी ये देखिए, थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पूरा जंगल का इलाका है, ना ही तो इधर रोड वोड का, रोड की नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरा जंगल का इलाका है इधर पूरा। यहाँ पे 8 बजे के बाद कोई इतना आदमी लोग नहीं आते जाते हैं, तो इसके इसके लिए ये सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक ही रहता है इधर आना जाना जो भी है। ठीक है गाइस, अभी हम अपन चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। ये कच्चा रास्ता है मंदिर का। ठीक है गाइस। हेलो गाइस, अभी देखिए हम रास्ते की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे मंदिर का दृश्य अपने को दिखाई दे रहा है। ये देखिए गाइस, पूरा जंगली इलाका है इधर। जंगली इलाके से हम आ रहे हैं महाराज के मंदिर में। अभी धीरे धीरे अपने को दर्शन हो रहे हैं मंदिर के। ठीक है गाइस, ये पूरा जंगल का इलाका है इधर। रोड वोड कुछ नहीं है। जो भी आए सुबह 8 से शाम को 8 के बीच में आए, वरना नाइट में इधर जानवर वानवर का बहुत खतरा रहता है। इधर शेर वेर इधर ही रहते हैं। पूरे जंगली एरिया है, पूरा भीड़ का इलाका है ये। ठीक है गाइस, अभी अपन को वो देखो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। मंदिर का दृश्य बहुत ही अच्छा है। पूरा देखना इधर, पूरा पूरा जंगल पड़ा है गाइस। अभी अपना सबसे प्राचीन बीड़ का बालाजी का मंदिर है ये फतेहपुर में। अभी अपने को दृश्य दिखाई दे रहा है पूरा मंदिर का। अभी तो काफी ये इसमें चेंजेस आ गए हैं। पहले तो ये छोटा ही था, अभी क्या धीरे धीरे काम हुआ इसका, तो अभी बहुत अच्छा बन गया है ये। ठीक है गाइस, ये देखो पुराने मंदिर भी इधर उधर बहुत है, छोटे छोटे। मेन मंदिर ये है बड़ा, अभी इसमें बहुत चेंजेस आ गया। जब हम छोटे थे तब ये छोटा मंदिर था। अभी हम अभी मंदिर के बाहर खड़े हैं, जो अपना देश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो आपको दिखाई दे रहा है अभी। ये देखिए, अभी बोर्ड दिख रहा है आपको, देश श्री प्राचीन भीड़ का बालाजी मंदिर। तो ये सबसे पुराना मंदिर है अपना, भारत का भी मेरे को लगता है सबसे पुराना मंदिर है ये। अभी ये देखो, अपन मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं कैसा व्यू है अंदर का। ठीक है गाइस, अभी पहले अपन को इधर जूते वगैरह इधर अपने को खोलने होंगे, फिर महाराज के अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा अपने को। इधर हाथ वाथ धोने के बाद ये ठंडा सूत जल अपना, गर्मी के लिए जो भी यात्री यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो पहले इधर ठंडे पानी से अपने हाथ मुंह धोते हैं, फिर अपना अंदर प्रवेश करते हैं। फिर हम हाथ मुंह धो के अभी निकल रहे हैं मंदिर की तरफ।
अभी अपन दिखाएंगे आपको कि अब जैसे हम एंटर हुए हैं मंदिर के अंदर, अभी सिद्धि विनायक महाराज श्री गणेश जी का मंदिर है, ये आपको दिखाने हैं। देखिए कितना शानदार मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है भारत का। इसमें जैसे एंटर होंगे श्री सिद्धि विनायक महाराज गणेश जी का मंदिर ये है। अभी गणेश जी महाराज के दर्शन करने के बाद उनके जो पिताजी हैं श्री महादेव का मंदिर भी इधर ही है, बहुत ही सुंदर बनाए मंदिर। अभी आप देख सकते हैं कितना शानदार मंदिर है ये। काफी सारे तीन मंदिर और हैं इसके। अभी अपन चलेंगे जो प्राचीन मंदिर है अपना बीरगा वाला जी, उसकी जो गुफा है वो गुफा में हम प्रवेश करेंगे तो आपको दिखाएंगे कितना शानदार व्यू है उधर का। यह जो पंडित जी हैं इधर के वो बोल रहे हैं कि गुफा में अंदर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाना सख्त मना है, अगर बनाएगा तो उस पर जुर्माना होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ उधर। तो अपन उनके विपरीत भी नहीं जा सकते। तो आपको जो भी बाहर का जो भी मंदिर वंदिर है उनका आपको दृश्य दिखाते हैं। जैसे ये मंदिर है, ये गुफा है, इधर का पूरा नीचे जाता है, माता जी का मंदिर है इसमें। अभी आपको दिखाते हैं बाबा ओगननाथ का धुना जो क्या सबसे प्राचीन है इधर का। अभी देखिए दिखाते हैं और ये देखिए महाराज सिंह का मंदिर, बहुत ही शानदार नंदी गाय जो भी है ये सब इतना शानदार बना रखा है। अभी आपको उदय की तरफ बोले जाते हैं, बहुत शानदार शानदार मंदिर हो गए। अभी गए हम दिखाते हैं आपको जो उधर की तरफ अभी मंदिर बच्चे हैं जो भी, अभी अंदर तो अपने को प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, तो हाथ का जो भी है उधर का मंदिर वंदिर वो आपको दिखाते हैं। उधर भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, अभी हम देखिए दिखाई दे रहे हैं ये गुफा के अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं हमें, जो भी अपने इधर के पंडित जी हैं ये बाबा थे इधर के, शानदार उनका फोटो वगैरह लगा के जो कर रखा है इनका। अभी ये मंदिर है इधर, बहुत ही शानदार मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, आपको उधर दिखाई दे रहा होगा प्राचीन भीड़ का बालाजी का मंदिर जो अपन वहाँ शुरू से आपको दिखाते आ रहे हैं कि जो इधर सबसे प्राचीन मंदिर था बालाजी का, देश का सबसे प्राचीन मंदिर तो यही मंदिर है। आप देखिए कितना शानदार बना रखा है इधर। अभी अपन फेरी वेरी जो भी है लगाते हैं तो दिखाते हैं आगे। और ये कुछ जो बाबा वगैरह जो समाधि का कुछ बनाया हुआ है मंदिर में, तो आप देखिए और जो अपनी इच्छा के लिए जो पर्ची वगैरह जो फोटो वगैरह जो भी अपन लगा के यहाँ नारियल बांध से जो बांधते हैं तो यहाँ का जो इच्छा पूरी हो जाती है वो। तो अभी एक फेरी इधर का कंप्लीट कर लिया है, महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं ये जल्द मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर है अपना श्री अंजलि माता का मंदिर, जो हनुमान जी महाराज की माता जी थी उनका मंदिर है, बहुत ही शानदार बना रखा है इधर मंदिर। अभी हम जो तीसरा मंदिर है उसकी तरफ चलते हैं, श्री राम दरबार, जो अभी फिलहाल में श्री राम महाराज अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जो अयोध्या में अभी मंदिर बना है उनका भी इधर प्रतिमा विराजमान है जय श्री राम। अभी अपन चलते हैं जो यहाँ के जो मेन बाबा थे महाराज ओगननाथ जी, उनकी भी प्रतिमा इधर विराजमान है। अभी अपन दिखाते हैं उनका दृश्य, बहुत ही शानदार दृश्य है ये। देखिए महाराज ओगननाथ जी महाराज का प्रतिमा यहाँ विराजमान है और उनके आगे जस्ट महाराज शिव का मंदिर भी विराजमान है। और ये अपना कमल का फूल, बीजेपी की शान। अभी ये इधर का व्यू दिखाते हैं, जो झूले वूले इधर लगे हुए हैं बहुत ही शानदार है। अभी सुबह का टाइम है,
तो इतना कुछ भीड़ नहीं है इधर, तो धीरे धीरे शाम तक जो है श्रद्धालु यहाँ आएंगे, तो यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाती है। तो ये झूले झूले हैं इधर, और सभी इधर झूलों का जो भी है बच्चों के खेलने का इधर का पार्क बनाया गया है। और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पूरी तरफ हरियाली है मंदिर में, देखिएगा इस पूरा हरियाली से भरा हुआ, और चारों ओर पूरा पेड़ पेड़ का इलाका है इधर, तो आपको दिखाई दे रहा जंगली एरिया है पूरा। ये है झूले वगैरह जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, वो फिसलन पट्टी है, और ये वेट का है जो कि शाम को बच्चे वगैरह आते हैं फैमिली के साथ, तो उनके लिए बनाए गए हैं, बच्चे वगैरह खेलें, उनका एंजॉयमेंट हो जाए उसके लिए। और अब आपको एक नए दुनिया की तरफ वो लेके जाते हैं जो अपना मंदिर में है। ऐसे बहुत सारे जो है धुना है उसमें, क्या है पहले जो अपने साधु संत थे वो तप करते थे, आपको भी पता है सबसे ज्यादा तप साधु संत ही करते थे, जिसके कारण उनका भी जो है ये दोने वगैरह बने हुए हैं, उनका तभी ये नाम है उनका, जो कि बहुत कठोर परिश्रम करते थे। ये एक और इधर अपने को धुना देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार है, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी चलते हैं, आपको यहाँ जो कि सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं और वो भी दिखाते हैं। और अपने को एक मंदिर और है इधर जो देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार मंदिर है पुराना, अभी अपन आपको दिखाते हैं। पशु पक्षी इधर बहुत हैं जो कि पिंजरे के अंदर रहते हैं, वो शानदार शानदार सुंदर सुंदर छोटे छोटे पशु पक्षी दिखाई देंगे आपको, अभी आपको दिखाते हैं, चलते हैं उधर ही। ये देखिए गाइस कबूतर है इसके अंदर, ये देखो कबूतर जो पिंजरे में बंद है, इनके लिए जो भी है अपने यहाँ पुजारी जी उन्होंने बंदे लगा रखे हैं, उनको खाना पानी दे देते हैं टाइम पे, तो ये इधर ही बैठे रहते हैं। और इससे भी सुंदर दिखाते हैं आपको, बहुत ही शानदार व्यू है इधर का, खरगोश इतने शानदार शानदार खरगोश है, इनके लिए भी भोजन वगैरह जो है इनका घास वगैरह डाला गया है, तो ये खा रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं, देखो इतने छोटे छोटे। अभी देखते हैं ये पानी का टैंक है, जैसे जो भी है पुजारी जी ने रखा हुआ बंदा, वो पानी वगैरह जो भी इसका खाना वगैरह है वो रख देते हैं, वो खा लेते हैं इधर। ठीक है अभी चलते हैं इधर, ये देखो कितना बकरी बकरी जो भी है बंजारे वगैरह है वो यहाँ पे बकरी बकरी चराने आते हैं, जैसे शाम होते हैं वो अपने जहाँ भी रहते हैं उधर इन सबको लेके चले जाते हैं। अब ये देखो कितने धुने इधर भी हैं, एक दो तीन चार और बाहर उधर भी हैं, बहुत सारे धुने हैं क्योंकि हमारे साधु संतों ने बहुत तप किया है, बाहर आ गए हैं मंदिर के बाहर। ये देखो अपनी गौ माता है, जो अपना हिंदू धर्म में इसको गाय माता को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। और ये जो है बकरियां जो अपने बंजारे होते हैं वो देखो लड़का उनको घेर के लेके जा रहा है उधर, तो इसको चराते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं। तो अभी अपन जाते हैं उधर, क्योंकि धुणे जो बाहर आपको बोला था कि बहुत सारे धुणे हैं, अभी अपने को जो सामने दिख रहा है वो एक धुणा है, तो उसके चारों ओर गाय है और उसके पीछे भी गाय बहुत सारी है। अभी देखिए इधर का भी दृश्य देखिए, पूरा भीड़ का इलाका है इधर, क्या है 8 बजे के बाद, अभी ये भी थोड़ा जल्दी चले जाएंगे 8 बजे से क्योंकि इनको भी अपने घर पे जाना रहता है। तो अपन अभी आगे और दिखाते हैं आपको क्या है, ये मंदिर के चारों ओर ये बाउंड्री की हुई है ऐसी कि कोई जो भी जानवर इधर रहते हैं बंदे उनको खा ना सके। और ये जो अपन ने जानवरों के लिए पानी वानी का जो रखते हैं वो बहुत ही सुंदर लगाया हुआ है, नीचे लोहे का ऊपर वो जो कुम्हार से लेके आते हैं वो लगाया, उसमें पानी क्या नीचे ना गिरे, ये गिरे तो टूटे ना पूरा। ये धुना है महाराज जो पहले साधु संत थे, वो तपस्या करते थे, तो उनके सम्मान में ये जो है अपना धुना बनाया गया है उनका। ठीक है गाइस,
हेलो गाइस, अभी अपना ब्लॉग खत्म होने जा रहा है। अभी जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो आपको इस ब्लॉग में कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या अपना मनोबल बढ़े तो हम आगे और ही अच्छा वीडियो बनाएं।